लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। सागर शहर में पंचमी के अगले दिन मकरोनिया में लठमार होली का आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर अखिल भारतीय यादव महासभा के सदस्यों ने बताया कि पूर्ण पारंपरिक धार्मिक आयोजन में सिर्फ प्राकृतिक रंगों, ब्रज की रज एवं फूलों का उपयोग किया गया। आयोजन में महिला पुरुष भक्त अपनी पारंपरिक वेशभूषा में खूब थिर गए। राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ ही भक्त दंपतियों की विशाल लठमार होली अपने आप में अद्वितीय रही। फूलों की होली एवं पंचमी महोत्सव में शामिल होने आए लोगों ने लठमार होली का भरपूर आनंद लिया। आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम तक चला, जिसमें भक्तों के साथ नगर के निवासियों ने आनंद लिया। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। ये तो कई पीढ़ी बीत गई, कई वर्ष बीत गई और होली हो ही रही। अपने शौक से करते हैं मनोरंजन के लिए। मथुरा से मथुरा से हुआ है ये। हमारे ग्वाल वंश की परंपरा चली आ रही है, इसलिए ग्वाल समाज में ये लठमार होली होती है। हमारे वृंदावन में शुरू चली आ रही है, वही परंपरा चली होती है। ये निरंतर हमारे पूर्व जन्म जो हमारे बुजुर्ग थे कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन छोटे रूप में आता था। हम लोग बस्ती बस्ती इस लठमार होली का आयोजन करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन गणेश सिटी एंजोरा मैरिज गार्डन में एक सामूहिक लठमार होली आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए इस लठमार होली का जो आयोजन करने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि हमारी राधा मैया जी और कृष्ण भगवान का जो अंतराल समय था, राधा मैया के पास जब बरसाने भगवान जी गए उस समय तो राधा मैया को जो गुस्सा भरा था इतने समय ना मिलने का, तो उन्होंने उनको गुस्सा आ गया, एक लठी डली थी, उन्होंने वो लठी उड़ार के और खेलना चालू कर दिया, मारना नहीं खेलना। उस खेलने में आज हमारी ग्वाल गोपाल ग्वाल बाल जितने भी खेल रहे हैं उसी भाव में खेल रहे हैं, इसमें कभी किसी प्रकार का देश भाव नहीं आता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।